बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे बच्चों, प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह करे कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हों। जब मैं आज रिकॉर्डिंग के लिए आ रही थी तो सोच रही थी कि कुछ दिन और कुछ महीने बहुत उदासी के होते हैं। ये खुद ब खुद बंदे के अंदर एक उदासी, एक परेशानी की कैफियत जो है वो जारी हो जाती है। और अल्लाह ताला ने भी जब 12 महीने बनाए और 12 महीने के जो 30 दिन बनाए, उनमें से उनको भी अल्लाह ताला ने इस तरह अरेंज किया कि कुछ महीने उसमें से बड़ी वाकई उदासी के महीने हैं। सूरत तौबा की 36 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 महीने बड़ी हुर्मत वाले हैं, बड़ी इज्जत वाले हैं और बड़ी फजीलत वाले वो 4 महीने हैं। और वो 4 महीने कौन से हैं? वो 4 महीने ज़िलक़द्र है, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब है। इसमें से मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस माह को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है कि इसमें जंगो कतल हराम थे। यकम मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्हों की शहादत हुई, जबकि मुहर्रम की 10 तारीख को वाकई करबला जो है वह पेश आया। ये बात अल्लाह ताला की खसूसी रहमत और बरकत का हासिल है। जब तक के रमजान के रोजे शुरू नहीं हुए थे, उस वक्त अशूरा के रोजे रखे जाते थे, यानी मुसलमान जो थे वो अशूरा के रोजे रखते थे। और आज हमारा टॉपिक जो है वो इसी ही हवाले के साथ है। मुहर्रम अ मंथ ऑफ सेक्रीफाई इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जिसमें हम आपको मिलाएंगे बहुत अच्छे गेस्ट के साथ। हमारे प्रोग्राम के पहले गेस्ट मोहतरम मुशर्रफ बुखारी साहब हैं, जिनको बहुत नॉलेज है बहुत सारी मुहर्रम के बारे की चीजों के बारे में, और वो आज हदी अकीदत जो है वो उसमें पेश करेंगे। इसके बाद आप 4 बच्चों के साथ मिलेंगे, जो 4 बच्चे नात खां हैं और नातें आपको सुनाएंगे, और वो भी अपने तौर पर इस महीने का एहतराम के तौर पर जो है वह हदिया कीदत पेश करेंगे। जो 4 बच्चे हैं, मैंने सोचा कि आज उनका नाम भी आपको लूं और आपको पता चले कि हमारे बच्चे, ये अक्सर प्रोग्राम में आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छी नाते पढ़ते हैं और बच्चे अच्छे, बहुत अच्छे नात खां हैं। पहले अब्दुलरहीम है, दूसरी बच्ची जो आपके सामने आएगी वो हरीम, उसका नाम है। तीसरी बच्ची जो है वो जहरा बतूल है, और उसके बाद जो है आयमा। फिर हम देखेंगे बच्चे की दुनिया की टीम आप लोगों के लिए क्या लेकर आई है, वो भी मुहर्रम के एहतराम में कोई प्रोग्राम जो है वो आपके लिए तैयार किया हुआ है, तो यकीनन आपको उनका प्रोग्राम जो है बहुत पसंद आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने मीर अनीस का कसीदा जो है वो मैंने पढ़ा है, जिसको जहूर अहमद साहब जो है वो उसको कंपोज करेंगे। आज हमारे शो का बाकायदा आगाज जो है कलाम इलाही से करती हूँ, जिस तलावत कलाम पाक शहरी अच्छा आपके सामने पेश करते हैं। للكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم. ما شاء الله،
بہت خوبصورت شاعری. نعت رسول مقبول انم زرغم آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, پیش مل کر کرے ہم درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بہت پیاری نعت, بہت شاباش, بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے نا آپ نے. مسز ناظرین اور پیارے بچوں, قطیر صفائی نے کیا خوب کہا تھا, ہر ابتدا سے پہلے, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دین اسلام نام ہے قربانی کا, جس سال کی ابتدا اور انتہا قربانی ہوتی ہے. محرم الحرام میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین اپنے 72 جان نثاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دیتے ہیں, جبکہ دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینے میں ذی الحج کے مہینے میں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنے جگرے گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہیں, اور خدا کے حکم سے ان کے فرزند کی جگہ قربانی کا بکرا آ جاتا ہے, اور یوں ابراہیم اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں, یوں تاریخ اسلام کا ہر باب انتہائی الم انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم اور معظم شخصیت ہیں اور جن کا عشورہ اس آئینے کی مانند ہے, جس میں حقیقی عزت و آزادی کا شرف, بلند انسانی اقدار اور اللہ کی راہ کا عکس نظر آتا ہے. حضرت امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ اگر تم واقع دیندار ہو, تمہارا خدا اور اس کے دین پر مکمل تمہیں یقین ہے, تمہارا عقیدہ ہے, اور پھر تم پر لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے دین اور اس کے مسلمانوں کی حفاظت کرو, اور ناموس الہی کی حفاظت کے لیے ذلت اور رسوائی کی زندگی کو قبول کرنے سے انکار کرو. حضرت امام حسین کو نہ ملک گیری کی حوث تھی, نہ ذاتی اقتدار کی, انہیں انسانی ہمدردی, رواداری اور رواداری, امن پسندی, صبر, شجاعت اور اثار و قربانی اور کی دشوار منزلوں کے سامنے آنے پر کسی قسم کی کوئی لغزش نہ تھی. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں, اگر نواسۂ رسول روزے عشورہ میں اپنے خاندان, اپنے رفقا اور عزیزوں کی قربانی پیش نہ کرتے, تو بنی نوع انسان میں یہ کیسے ہوتا کہ حق کی نجات کیسے ہوتی, جن کو لوگ کہتے کہ حق جو ہے وہ جھک گیا ہے اور باطل جو ہے وہ جھکا نہیں ہے, لیکن حضرت امام حسین نے حق کو اونچا کر دیا,
उन्होंने ईमान को, ईमान इस्लाम को जो है वो ऊंचा कर दिया। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में वो अजीम कुर्बानी पेश की, इसने ये साबित कर दिया कि बातिल हमेशा मिटने वाली चीज है, और हक पर जब इंसान होता है वो उसके पीछे कुछ भी नहीं है, उसके उसके पीछे अगर हजारों कुव्वतें भी हों तो वो उसकी कामयाबी है। तो अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, अब देखते हैं कि बच्चों की दुनिया टीम जो है वो आज के हवाले के साथ आपके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल वेल टुडे। दिस इज द मंथ ऑफ मुहर्रम, दिस इज द फर्स्ट इस्लामिक मंथ। वी आर ब्रिंगिंग ए वेरी इंफॉर्मेशनल video for you today. According to the Islamic history, Maha, can you please tell us the topic of our show today? Assalamu alaikum dear friends, welcome back to Bachcho Ki Duniya. Today's Bachcho Ki Duniya topic is Muharram. Muharram is the first month of the Islamic calendar, and Muharram is also a month of sorrow. Here, do you know who Hazrat Imam Hussein was? Maha, Hazrat Imam Hussein was the eldest son of Hazrat Ali and Bibi Fatima, and the grandson of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, our beloved Prophet. He briefly ruled as a Khalifa on January 1661 to August 1661. Maha, do you know how did Imam Hussein become a Khalifa? A battle was fought between the two parties. After the assassination of Hazrat Ali, his son Hassan was made caliph. Maha, these are the Islamic months: Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Juma al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Duhal al-Qaeda, Duhal Hajar. Maha, Anam, can you please recite a naat for us? Tere sadake mein aaga saare jahan ko deen mein la be deenon ne kalma parha la ilaha illallah hasbi rabbi jalla hasbi rabbi jalla ma fi qalbi khairallah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla ma fi qalbi khairallah nur muhammad sallallahu means handsome and good person. And Hazrat Hassan was killed in the Battle of Karbala by Shimmer. Charity, how old was Hazrat Imam Hussein when he died? He was 45 years old. Charity, what do we do in the month of Muharram? In the month of Muharram, we should pray, we should give charity, we should help people, we should fast, we should do good things. अब सुनेंगे मीर अनीस का कसीदा जो मैंने मेरी आवाज में है और जिसको कंपोज किया है ज़हूर अहमद साहब ने। मेहमानों की दावत का हुआ खूब सर अंजाम, मेहमानों की दावत का हुआ खूब सर अंजाम, कदगन है कि पाए कोई पानी का एक जाम, कदगन है कि पाए कोई पानी का एक जाम, हर सिमत है फौजों की आमद सहर व शाम, हर सिमत है फौजों की आमद सहर व शाम, मंजिल पे भी पाया न थके माने दो आराम, मंजिल पे भी पाया न थके
माने दो अंजाम। खैमे स्तम आजादों के साहिल पे खड़े हैं, खैमे सितम एजादों के साहिल पे खड़े हैं, खुशकी भी जो उतरे वो तबाही में पड़े हैं, खुशकी भी जो उतरे वो तबाही में पड़े हैं, खुशकी भी जो उतरे वो तबाही में पड़े हैं। सदमा था अजब बादशाह अर्श नशीन का, सदमा था अजब बादशाह अर्श नशीन का, एक कोहे अलम टूट पड़ा जाने हसी पर, एक कोहे अलम टूट पड़ा जाने हसी पर। हफ्तम को हुआ बंद जो पानी शहीदी पर, हफ्तम को हुआ बंद जो पानी शहीदी पर, मछली से तड़पने लगे मासूम जमीन पर, मछली से तड़पने लगे मासूम जमीन पर। सदमा था अजब बादशाह अर्शे नशीं पर, सदमा था अजब बादशाह अर्शे नशीं पर, एक कोहे अलम टूट पड़ा जाने हसी पर, एक कोहे अलम टूट पड़ा जाने हसी पर। गुलबख्श से लबे खुश थे सरजानों पे खम था, गुलबख्श से लब खुश थे सरजानों पे खम था, परदेसियों की फिक्र थी इतफाल का गम था, परदेसियों की फिक्र थी इतफाल का गम था। फरमाते थे बच्चे नहीं जीने के हमारे, फरमाते थे बच्चे नहीं जीने के हमारे, मर जाएंगे सब ऊंचाए दहन प्यास के मारे, मर जाएंगे सब ऊंचाए दहन प्यास के मारे। दस्ते है स्तमगरों के दरियाओं के किनारे, दस्ते है स्तमगरों के दरिया के किनारे, दस्ते हैं स्तमगरों के दरिया के किनारे, किस कहिए फरजंदे अली किसको पुकारे, किस कहिए फरजंदे अली किसको पुकारे। मुख्तार ये कौसर जिन्हें खालिक ने अता की, मुख्तार ये कौसर जिन्हें खालिक ने अता की, वो पानी को मोहताज है कुदरत है खुदा की, वो पानी को मोहताज है कुदरत है खुदा की। मेहमानों की दावत का हुआ खूब सर अंजाम, मेहमानों की दावत का हुआ खूब सर अंजाम, कदगन है कि पाए कोई पानी का एक जाम, कदगन है कि पाए कोई पानी का एक जाम। हर सिमत से है फौजों की आमद सहरो शहर, हर सिमत है फौजों की आमद सहरो शाम, मंजिल पे है पाए न थके माने दो आराम। अब चलती हैं ब्रेक पर, जैसी हम ब्रेक से वापस आती हैं आप मिलेंगे हमारे गेस्ट के सारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों। आज हमारे स्टूडियो में बहुत प्यारी पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। आज हमारे शो में पहले मेहमान जो हैं बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरत आवाज़ वाले और बहुत कुछ जानते हैं मज़हब के बारे में, और उनकी इनको तो मैं बहुत इनकी शदाई की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आज हमने मौका दिया कि आज वो अपनी आवाज़ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो कितनी नात पढ़ सकते हैं या कोई कसीदा पढ़ सकते हैं या कोई मसनवी पढ़ सकती हैं, जो भी आज उनका मौका है, क्योंकि आज का दिन जो है वो एक डिफरेंट दिन है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है आज का दिन, क्योंकि आज का दिन मुहर्रम मेरा ख्याल है 5 तारीख की मुहर्रम की होगी, और इसकी अपनी ही एक अकीदत है और अपनी अपनी मोहब्बत है इस दिन की। तो मैं दावत देती हूँ मोहतरम सैयद मुशर्रफ हुसैन बुखारी साहब को कि आज वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और आपको कुछ सुनाएं। इनका ताल्लुक कैनेडा से है, ये काफ़ी साल से कैनेडा में है, लेकिन ये मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ शोबों में बड़ी अपनी आवाज़ की वजह से हर जगह पहचाने जाते हैं और मुख्तलिफ टीवीज़ में भी आप उनको देखेंगे कि हर जगह ये देखे जाते हैं।
तो आप बहुत इनकी आवाज़ से खुश होंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत माशाल्लाह पढ़ते हैं। तो मुशर्रफ साहब, मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में आने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं तहे दिल से आपका ममनून व मुतशक्किर हूँ कि मुझे आपने इस बच्चों के इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसके अलावा हमारे स्टूडियो में चार बहुत प्यारे नातखा मौजूद हैं और ये बच्चे वो हैं जो कि मेरी चॉइस है। मैं आपको बताऊं कि ये बच्चे माशाल्लाह हमेशा हमारे पास आते हैं और बहुत खूबसूरत नाते पढ़ते हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पेरेंट्स की कि जो इनको तैयार करके यहाँ पे लाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जहाँ से बच्चे आते हैं वो बहुत दूर है, तकरीबन घंटे की ड्राइव से आते हैं। घंटे की ड्राइव के बाद जहाँ आकर शामिल होना ईजी नहीं होता, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ पेरेंट्स की को उनको लेकर आते हैं क्योंकि ये भी उनका शौक है कि हमारे बच्चे जो आगे से आगे बढ़ें। क्योंकि बच्चे जब एक्सप्लोयर बच्चों का होता है तो बच्चे तब भी उनकी उनके टैलेंट्स का पता चलता है। तो आज हमारे इस शो में अब्दुल रहीम साहब हैं, बहुत प्यारा बच्चा है। अब्दुल रहीम, आप कौन सी क्लास में हो? ग्रेड 10 में पढ़ते हैं ये। और इसके बाद जो है वो दूसरी बच्ची हमारे पास जहरा बतूल है। जहरा बतूल, आप कौन सी क्लास में हो बेटा? She is in the grade 4. That's quite nice. और दो बच्चियां जो हरीम आयमा जो हैं वो उमदा वे हैं क्योंकि वो नियाग्राफा से आती हैं, बहुत दूर है यहाँ से प्लेस, लेकिन अभी तक वो लोग स्ट्रक हैं आज क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है और इसकी वजह से रास्ते में बहुत रश है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे तो इंशाल्लाह वो लोग हमारे प्रोग्राम में जमे हमें शामिल हो जाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज होता है, मैं आप मुशर्रफ साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो हदिया अकीदत जो है वो पेश करें। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हूँ लेकिन, हजार सजदे ज़मीने हरम पे हूँ लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ नहीं, हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ नहीं। बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने, बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं गुजारिश करती हूँ मुशर्रफ साहब से कि वो कुछ सुनाएं आज हमें इस आज के दिन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं ममनून व मुतशक्किर हूँ आपका और ये जो प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इस तरीके से आप ये सिलसिला जारी रखें। ये जो मैं कलाम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, ये मोहसिन नकवी साहब का नातिया कलाम है और ये बहुत शोरा आफाक कलाम है। ये इसमें से चंद अशआर आपकी पाकीज़ा समातों की नज़र कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे ख्याल को निस्बत मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुए मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, मेरे ख्याल नबी का नाम अगर लो तो इस करीने से, दुआ यहां से चले और सर मदीने से, सुना है आतिश दोज़ख में डूब जाता है
सफीने से नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ तुम्हारा प्यारे बच्चों, हम आज जो मुसलमान हैं और अल्लाह के फजल से आज इस्लाम का हर तरफ बोलबाला है, ये हमारे अबाओ अजदाद ने बेहद कुर्बानियों से हासिल किया। उनमें से सबसे अहम वाकया वाकया करबला है, जिसे सदियों से एक एहसास और एक ही दुख के साथ याद किया जाता है। इस्लामी तारीख के मुअर्रिखीन ने वाकया करबला को ऐसे बयान किया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानी जो उन्होंने दीन इस्लाम के लिए की, वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा की है, जिनके कान में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी। वो हजरत इमाम हुसैन जो नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर सवार हो जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते थे। और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों का सरदार कहा। तो प्यारे बच्चों, आगाज नबुव्वत से पहले खानदान कुरैश में दो कबीले थे और दो कबीले के दो भाई थे। एक का नाम हाशिम था और दूसरे का नाम बनू उमैया था। बनू हाशिम नहायत नेक थे, नेक सीरत, नेक किरदार और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत पक्के मुसलमान थे, जबकि बनी उमैया उनसे थोड़े ऑपोजिट थे। उनके आपस की नफरत नस्ल दर नस्ल चलती चली गई। हजरत अली हाशिम कबीले के कबीले से ताल्लुक रखते थे और हजरत अमीर माविया जो थे वो बनी उमैया से ताल्लुक रखते थे। हजरत अली के बाद हजरत माविया खलीफा बने तो उन्होंने अपनी ही जिंदगी में अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया, जो ना तो सही इंसान था ना ही वो सही मुसलमान था।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यज़ीद से बैत लेने के लिए इनकार कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन मदीना में मुकीम थे कि कूफा में रहने वाले लोग जो मुसलमान थे उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को बहुत सारे ख़त लिखे और उनको बहुत ज़्यादा ताकीद की, रिक्वेस्ट की कि वो जो हैं वो कूफा में आए, क्योंकि वो रहते थे मदीना मुनव्वरा, मदीना में रहते थे। तो आप हज़रत इमाम हुसैन जो हैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के अपने अपने अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो कूफा के लिए रवाना हो गए। जब मुसलमानों ने जब खत लिखे तो उन्होंने ये कहा हज़रत इमाम हुसैन से कि हम आपसे बैत लेने के लिए आपको बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन जो है कूफा पहुंचे तो जो यजीद जो था उसने आपको अपने आपके पूरी फैमिली को जो है अपने घेराव में ले लिया। और यजीद ने जो है आपसे आपको दो ऑप्शन दी कि पहली ये चीज कि या तो आप बैत कर लें उसके हाथ में, और दूसरा उसने कहा कि या फिर जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों यही मैदान करबला था जहां हक को बातिल की सब इस्तकामत और कुर्बानी का मार्का बर्पा हुआ, जैसे जिसे रहती दुनिया तक हम याद रखेंगे। तारीख मिसाल ऐसी को ढूंढ के लाए, तारीख मिसाल ऐसी को ढूंढ के लाए, सर तन से जुदा भी हो मगर मौत ना आए, सर तन से जुदा हो भी मगर मौत ना आए। सोचूं मैं सब्र रजा के जो माफी, सोचूं मैं सब्र रजा के जो माफी, एक नाम है हुसैन इब्ने अली जहन में आए, एक नाम है अली इब्ने, एक नाम है हुसैन इब्ने अली जहन में आए। तो अब हम सुनते हैं कि अब्दुर्रहमान, सही नाम लिया, अब्दुर्रहमान जो है वो हमें आज क्या सुनाते हैं इसका आज के दिन के हवाले के साथ। एक भाई था हुसैन का अब्बास जी चश्म, एक भाई था हुसैन का अब्बास जी चश्म, जिसकी वफा शारी के किस्से कहाँ नहीं, जिसकी वफाशारी के किस्से कहाँ नहीं, गाड़े हैं झंडे हिम्मत शौकत के इस तरह, जिससे बुलंद दुनिया में कोई निशान नहीं। तो मिलते हैं हम अब्दुर्रहमान के साथ, आज क्या सुनाते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत मन को मत बताओ। अच्छा, और इनका जो शेर है ध्यान से समझ के फिर सुभान अल्लाह कहो। बिस्मिल्लाह। लिबास है बटा हुआ गुबार में अटा हुआ, लिबास है बटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन जीवकार है बला का शाह सवार है, ये कौन जीवकार है बला कशा सवार है, कि है हजार कातिलों के सामने दता हुआ, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है, हुसैन है हुसैन है नबी का नूर ऐन है, हुसैन है हुसैन है नबी का नूर ऐन है। ये कौन हक परस्त है
मए रदाए मस्त है, ये कौन हक परस्त है। मए रदाए मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है, कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर हजार गात है मगर अजीब बात है, उधर हजार गात है मगर अजीब बात है, कि एक से हजार का भी हौसला शिकस्त है। ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है नबी का नूर ऐन है। ये दिलावरी में फर्द है बड़ा ही खैर मर्द है, दिलावरी में फर्द है बड़ा ही खैर मर्द है, कि जिसके दब दबे से रंग दुश्मनों के जर्ब है, कि जिसके दब दबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीब मुस्तफा है ये हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये। जभी तो इसके सामने ये फौज गर्द बर्द है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है नबी का नूर ऐन है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, वक्त आ गया है कि मोमन सच्चाई की राह में बेचैन होकर निकल पड़े और अपना ये सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। हदिया अकीदत पेश करती है हरीम। اكرم الخلق مالي من انوزو
बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दीने बना हस्त हुसैन। हदिया नाक पेश करती हैं जोहरा बतूल। मेरा दिल तो सीनारी मेरे जीने गवाही करी नारी दीन इस राम का है नगी नारी हक की मंजिल का पहरा है सीनारी दश्त में अब्र का पहला कतरारी मेरा मुर्शद पिया का भी मोलारी अली मोरारी हर सू सदा हैदरी यारी अली अली जानम फिदा हैदरी यारी अली अली सुबह से शाम तक हर पे हर हर गरी लपे अपने रहे नारे हैदरी यान है बरशिकन यानी मुश्किल खुशा बाद यज़दा कहे दूसरा आसरा मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं गम के मारू का है तू सहारानी अली मौलाली रमज़े बकाए हाशमी याली अली अली जानम फिदाए हैदरी याली अली अली सलामत रहे माशाल्लाह। इंसान को बेदार तो होने दो इंसान को बेदार तो होने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हौसले। हदिया नात पेश करती हैं आयमा। जमीन मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता जमीन मैली नहीं होती जमन जिस मन में
आपका फिर नाद एक एमन। अब आखिर में मैं मिश्र बुखारी साहब से कहूंगी कि वो एक और थोड़ा सा हमें एंडिंग जो है वो अच्छा सा कोई मसीहा सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इकबाल का शेर है, हदीस है इश्क दो बाब अस्त करबला दमिश्क यके हुसैन रकम कर दीगरे जैनब। तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना, तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना। शबीर ने बतलाया, शबीर ने बतलाया इस्लाम पे मर जाना, तीरों के मुसल्ले पर वो सजे दाए शुक्राना। اللهم صل على محمد وآل محمد। गाने का शामिल होने का इस प्रोग्राम में, और यकीनन नाज़रीन आप लोगों को भी, प्यारे बच्चों आपको भी ये पसंद आया होगा प्रोग्राम। बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, इतनी दूर से आई हैं, उन्होंने आपको ये सारी नातें और सारे कलमात जो हैं जो हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में हदिया जो पेश किया है, अल्लाह ताला इनको कबूल करे। और आप लोग जो हैं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ गया। बहुत शुक्रिया आप सबका। चलते हैं ब्रेक पर। और बच्चों मुझे पता है कि आपको किस चीज़ का इंतजार है, आपको अपनी वीडियोस का जरूर इंतजार है। और आप लोगों ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, माशाल्लाह बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत अच्छी वीडियोस आपने बनाई है। बहुत थैंकफुल हूँ उन पेरेंट्स का, जो मेरे पेरेंट्स आपके जो मेरा साथ देते हैं इस प्रोग्राम में, और आपकी वो इतनी आपको आपकी आप मेहनत करते हैं, तो उसके बाद फिर आप प्रोग्राम बना के जो हमें भेजते हैं। तो सबसे पहले जवार जो है विनिपेग से। अरुष विनिपेग से। फरवा पाकिस्तान से। वादे निभा दिए हैं सैयद ने करबला में, वादे निभा दिए हैं दीने मुहम्मदी
के गुलशन खिला दिए हैं। बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर, बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर, एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते। ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। बख्शीश है उनकी लाजिम, सैयद के गम में खानम, बख्शीश है उनकी लाजिम, सैयद के गम में खानम। दो चार आंसू रो कर जिसने बहा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज निशाफ अब्बास, ओनर लाहौर पाकिस्तान से हूँ। मेरा आज का टॉपिक वाकया है करबला है। हर इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मार्का करबला इस्लाम की तारीख का वो अहम तरीन वाकया है जिसे इस्लाम की बुनियाद कहा जाता है। ये एक ऐसा वाकया है जिससे हमें हक और बातिल में फ़र्क पता चलता है। इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए अपनी जान और अपने ख़ानदान तक को कुर्बान करना बेहतर समझा और बातिल की पैरवी यानी यजीद की पैरवी से इनकार कर दिया। जब हज़रत इमाम हुसैन ने अपने नाना मोहम्मद के दीन को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझा और यजीद जो कि जानी शराबी और बदकार इंसान था, उसने इमाम हुसैन से ना दौलत मांगी ना जायदाद का तकाजा किया, उसने इमाम हुसैन से बैत का तकाजा किया, जिसने इमाम हुसैन ने ना साफ इनकार कर दिया। यजीद इस्लाम को अपनी मर्ज़ी से तब्दील करना चाहता था जो कि इमाम हुसैन को नामंजूर था। वो इस्लाम को उसी असूलों और ज़वाबित से रहने देना चाहते थे जिस तरह से उनके नाना रसूल खुदा ने बताया था। प्यारे बच्चों, प्यारे नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन ने एक जगह फरमाया, अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम हो तो घबराना मत, मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन हल्का हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा इस्लाम यूं ही कायम दायम रखे, हमें इस माह में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक दे, रोजे रखने की तौफीक दे, सच्चाई की तौफीक दे, नेकी की तौफीक दे और हम अच्छे अच्छे काम करें ताकि हमारा नाम जो है वो रोशन रहे, हमारे इस्लाम का नाम रोशन रहे। और इस तरह की बेशुमार दुआओं के साथ हम चलते हैं। प्रोग्राम का प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है और आप हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखिए और आप ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा, बहुत नॉलेज आपको इस प्रोग्राम में मिलेगा। तो अल्लाह हाफिज़।